अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। और आज का व्लॉग जो है, हम जा रहे हैं इस वक्त लाइन वॉक के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग है आज का व्लॉग भी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से और जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं। कितनी ड्राइव होगी इंशाल्लाह, कितनी देर में पहुँच जाएंगे? 10 से 15 मिनट लगेंगे। चलें, बहुत अच्छा, चलें इंशाल्लाह। मौसम आज भी माशाल्लाह खूबसूरत है और बादल नज़र आ रहे हैं, बारिश का मौसम है आज तो। उधर बिल्ली थी, यहाँ पे शेर है जी। वो पीछे भी कुछ शेर हैं, वो सामने। जॉर्ज स्विमिंग, हम एंटर हो चुके हैं अंदर। सिप लाइन पे हम आए हैं अभी, ये वहाँ तक जा कर आएंगे। ये बीच में सारा नीचे खाली जगह है। ये देखिए जी, बड़ी मज़े की अजीब सी गेम ये लोग खेल रहे हैं, ये समझ ही नहीं को आ रही है। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस गेम? मनकावा। मनकावा, उसको छोड़ दो रस्सी को। 3, 2, 1, चलो। आज छोड़ो ना, आज छोड़ो, आज क्यों पकड़े हुए थे? आज छोड़ो ना, रास्ते तक जाएंगे क्योंकि इनका वेट बिल्कुल भी नहीं है। 3, 2, 1, चलो। गो। हाथ तो छोड़ दो। चला गया यार काफी दूर। ज्यादा दूर नहीं गया ना। हाथ तो हिला दो डरपोक। खानदादा भाई फिजा में लटकते हुए। तो इसमें तो बिल्कुल डर नहीं लगता। पहले हम सिटिंग पोजीशन पे गए थे, मैं और खानदा भाई, अब हम फ्लाइंग पोजीशन पे जाने लगे। तो अब थोड़ा थोड़ा सा मुझे डर तो लग रहा है, देखते हैं अब आगे जाके कि डर लगेगा। हमारा मज़ा बहुत आया। ये कहाँ तक जाएंगे वो पता नहीं है ना। पिछली दफा 3, 2, 1,
यू पिघला के इधर से ना चलो पिक्चर फोटो पड़े सही कह रहा बच्चे उड़ना नहीं आता आपको उड़ना आता है भाग के जाना मजा आएगा भाग के जंप करो चलो चलो 3 2 1 ये वाला जरा डरावना था तो दीजिए वॉचिंग वाला ऐसा दिए कर ही लेते हैं इसका मतलब वो भी कर सकते हैं यार लेकिन वो जो पांव से लटकने वाला काम है ना वो खतरनाक है खानदादा के रंग उड़े हुए हैं जिप लाइन हम कर चुके हैं एंजॉय और उसमें हम सिटिंग पोजीशन पे भी गए हैं फ्लाइंग पोजीशन पे भी गए हैं अभी हम जा रहे हैं बंजी जंपिंग देखने के लिए तो पहले से तो इरादा था कि हमने बंजी जंपिंग भी करनी है लेकिन अभी देखा नहीं है लेकिन हमने उससे पहले ही जो है ना डरने से पहले यानी अभी डरे नहीं हैं हम उसको देख के तो पहले से ही जो है ना इरादा किया कि यार ये काम कम अज़ कम नहीं करना चाहिए बहरहाल अभी तक तो यही इरादा है वहाँ जा के मुमकिन है कि इरादा चेंज भी हो जाए बंजी जंपिंग देख के अगर तो खाना भाई जैसे डरपोक लोग कर रहे हुए तो फिर कर लेंगे भाई हम भी इंशाल्लाह ये जो सामने का एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से ये बॉर्डर पास करेंगे लोग कर भी रहे हैं अभी हम भी जाएंगे इसी तरफ से बताइए क्या हजरत हजरत ये हम नो मेंस लैंड पे है सही है ये न जिम्बाब्वे का है न जाम्बिया का सही तो यानी ये जो एक गेट से दूसरे गेट के दरमियान का हिस्सा है दरमियान का हिस्सा जी ये हम दोनों मुल्कों में नहीं है इस वक्त हम ये साइकिल की राइड इंजॉय कर रहे हैं भाई एक बंदा चार लोगों को खींच रहा है क्या बात है ये हम उस ब्रिज पे आ गए हैं जी कल हम देखें वो सामने एक ब्रिज है मैंने उसकी वहाँ से वीडियोस ली थी इस ब्रिज की और ये जो एरिया है कल हम यहाँ खड़े थे ये जाम्बिया का हिस्सा है वो सामने विक्टोरिया फॉल्स हैं और ये लेफ्ट साइड पे जिम्बाब्वे है ये बंदा जा रहा है इसने ये बना दिया है बांध दिए हैं वो नीचे अंदर देखिए देखो ध्यान से जल्दी ध्यान से देखो अभी दिख रहा है ना हुई मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए यार मेरा रोज़ा है असल में इसलिए जाना मुश्किल लग रहा है वरना डर कोई नहीं लगना वो जा सकता है तो क्या मेरे से ज़्यादा बहादुर है क्या वो दिल का आदमी मजबूत होना चाहिए जो जाता है बंदा नीचे गया जो उसको टाइट करेगा अपने साथ होल्ड पकड़ेगा और फिर ऊपर लेकर आएगा अभी उसने उसको उल्टा था उल्टा लटका हुआ है यार लेकिन Are you guys going to have a
Oh, the trip. How long did it take? The trip was 6:45 to the border. उसको वो उधर उस ब्रिज पे ले आए. हम सिर्फ जंपिंग ये बंजी जंपिंग देखने आए थे लेकिन अब हम नीचे बोटिंग के लिए जाने लगे हैं जी. अब शहर के पास तक जाएंगे इंशाल्लाह. और ये सामने स्टेयर्स हैं, इससे हमने नीचे उतरना है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. दैट्स मोर लाइक इट. ऑलराइट फोक्स, वेलकम टू शेयरवाटर जेट बोट, वेलकम टू आवर वाटर वर्ल्ड. यहाँ इन्होंने हमें कुछ हिदायत दी क्योंकि हमने नीचे उतरना है और ये तकरीबन 355 सीढ़ियाँ हैं. ये सीढ़ियाँ नीचे उतरना है, इसके लिए हमें उसने ज़रूरी कुछ प्रिकॉशंस दी हैं कि हमने एहतियात से नीचे उतरना है और फिर कुछ और एहतियाती तदाबीर बताई हैं स्पीड बोट में जो हमने बैठना है उस हवाले से. जी इस पर हमने साइन कर दी है. लाइफ जैकेट पहन लिए, इसको हम यहाँ पर क्लिपर लगा देंगे. कितनी सीढ़ियाँ ये? 355 बता रहे. 355 सीढ़ियाँ हमने नीचे उतरनी है. उफ, कह रहे सेफ्टी तैयार. वाओ, ये अब बोर्ड पे जा रहे हैं हम, स्पीड बोर्ड पे. इस क्या लगता है ज़हीर साहब, मज़ा आएगा? जी बिल्कुल मज़ा आएगा इंशाल्लाह. यूनिक एक्सपीरियंस होगी जी, बिल्कुल याद रखेंगे इंशाल्लाह. ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि हम पहले कभी स्पीड बोट में नहीं बैठे ना. वो आप कहते हैं ना मज़ा ना आया पैसे वापस. हाँ मज़ा ना आया तो पैसे वापस. अच्छा मज़े की बात यह कि विक्टोरिया फॉल्स भी नज़र आएंगी ना, और ये ब्रिज भी नज़र आ रहा है हमें. हम इंतज़ार भी करते हैं नीचे उतरते हैं. ज़हीर भाई और खानज़ादा भाई सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं माशाल्लाह. ये आप देख सकते हैं हम पानी के काफ़ी करीब आ चुके हैं, लेकिन चूंकि हमने बोट में बैठना है तो इसलिए हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ से बोट में बैठते हैं. Yes, no, because right now we need to swim to the boat. The boat is right next there, but we have to swim to the boat. Is that all right? Okay. Not too sure about that. Not too sure about that. Okay, let's do the long way then. ये जगह थोड़ी सी खतरनाक भी है जी, इसलिए एहतियात से जाना है. यहाँ से वो सामने हमारी बोट खड़ी है. क्लिपर्स चेक कर रहा है कि सही बांधे हैं या नहीं. ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आइज़ैक. Oh, Isaac. They say be part of it doesn't mean to scare you, but I just want you to be aware of the do's and the don'ts during the course of our trip. The first one, please, is to remain seated all the time. The reason why I encourage you to remain seated is at some point when I'm jumping, the rapids a bit choppy. So if you happen to be on your feet, आबशार के बिल्कुल करीब आ चुके हैं. अजीब है, कसम से. जब ही लाइट में ये मौका नहीं मिल सकेगा, कसम से.
मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठा हुआ हूँ और इस रैपिड से देखें कि कितना पानी आया। मैं तो गीला हुआ ही था लेकिन पानी इतना पीछे तक आया कि मेरा फ़ोन मैंने अपने गाइड को दिया हुआ था कि वो वीडियो बनाए, तो मेरे फ़ोन तक पानी आया। 40 मिनट की जो हमारी ये राइड थी स्पीड बोट की, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा हमें इसी रैपिड में आया। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। इन रैपिड्स के बाद इन्होंने फिर बहुत ख़तरनाक टर्न लिया, कश्ती को बहुत ख़तरनाक तरीके से मोड़ा, उससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगा लेकिन हमने इसको बहुत इंजॉय किया। इस ख़तरनाक मोड़ के बाद हमारे ऊपर ये सामने वही ब्रिज फिर से आ गया जहाँ बंजी जंपिंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ कि आप भी वीडियो देखेंगे तो इन्जॉय करेंगे। अब हम फिर से वापस ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, तकरीबन ये 355 सीढ़ियाँ हैं। कपड़े सारे गीले हो गए लेकिन ये कि बहुत इन्जॉय किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। कहा था आधा रास्ता हो गया, इसका मतलब है अभी आधा रास्ता रहता है। नीचे जाना फिर भी आसान था लेकिन वापस ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 355 सीढ़ियाँ हैं, तो कम से कम 355 मरतबा अल्लाहू अकबर पढ़ सकते। इसके नीचे उतरते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सुबहानअल्लाह पढ़ सकते हैं, तो हमें ऊपर चढ़ते हुए सवाब भी मिलेगा, नीचे उतरते हुए भी सवाब मिलेगा अल्लाह का जिक्र करने पर। कह दें सुबहानअल्लाह।